नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में आज फिर से स्वागत है। आज मैं अपनी इस नई टेक्निकल वीडियो में यह लेके आया हूँ कि अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है, वैसे तो आज की जनरेशन है सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है, हम देखते हैं एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीद तो लेते हैं पर 1 साल बाद या 2 साल बाद वो कभी हैंग करने लग जाता है, कभी उसकी बैटरी बैकअप ख़राब हो जाता है। तो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने से हम अपने जो फ़ोन की लाइफ है और जो बैटरी लाइफ है दोनों को इंक्रीज़ कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो है डाउनलोडिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम द अननोन सोर्सेज। हम देखते हैं एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से डाउनलोड ना करके किसी ब्राउज़र में से डाउनलोड कर लेते हैं। तो ब्राउज़र्स पे डाउनलोड करने से क्या होता है, हमारे फ़ोन में वायरसेस आने का ज़्यादा रिस्क हो जाता है और फ़ोन में ऐड ज़्यादा रहती है, जिससे कि हमारे फ़ोन पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमें एप्लीकेशंस किसी भी ब्राउज़र से डाउनलोड ना करके सिर्फ प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी चाहिए। जितनी भी एप्लीकेशन है हमें सारी प्ले स्टोर पर अवेलेबल होती हैं। हम देखते हैं कई सारी पेड ऐप होती हैं वो हमें ब्राउज़र्स में मिल जाती हैं फ्री में, इसलिए हम उन्हें वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, पर वो हमें कभी भी डाउनलोड नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे हमारे फ़ोन में वायरसेस आ सकते हैं। तो इसलिए जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको सिर्फ प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। तो दूसरा ऑप्शन आता है बैटरी सेवर्स का। हम देखते हैं बैटरी को बचाने के लिए हम बैटरी सेवर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बैटरी सेवर्स का काम यह होता है कि अगर वाईफाई ऑन है तो उसको ऑफ़ कर देना, अगर आपके फ़ोन की डिस्प्ले ज़्यादा है तो उसको कम कर देना। जितने भी मैनुअली काम हैं वही काम सिर्फ बैटरी सेवर्स करता है। बैटरी सेवर्स को डालने से हमारे जो फ़ोन का प्रोसेसर है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और जितने भी काम हैं बैटरी सेवर्स के हम उनको मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो बैटरी सेवर्स का यूज़ करना बेकार है, इसलिए कभी भी बैटरी सेवर्स को अपने फ़ोन में ना डालें। हाँ, अगर आप बैटरी सेवर्स आपके फ़ोन में इनबिल्ट है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, वरना उसको कभी भी एक्सटर्नली डाउनलोड ना करें। तो तीसरा ऑप्शन है डाउनलोडिंग ऑफ फेक्स ऐप। हम देखते रहते हैं कि बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, जिनको डाउनलोड करने से वो कहते हैं कि आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर आ जाएगा, आयरिस स्कैनर आ जाएगा, ये वाला ऐप डालेंगे तो हम दूसरे को फ़ोन को हैक कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी फेक्स ऐप हैं उनको कभी भी हमें डाउनलोड नहीं करना चाहिए। उनका वैसे तो फ़ोन पर कोई इफ़ेक्ट तो पड़ेगा नहीं, पर सारे दिन आपके फ़ोन्स में एड्स आती रहेंगी और एड्स आपको परेशान करती रहेंगी, इसलिए फ़ायदा इसी में ही है कि उन ऐप्स को डाउनलोड ना। तो अगला ऑप्शन है क्लियरिंग द कैशे मेमोरी। हम सोचते हैं कि हम कैशे मेमोरी को क्लियर कर देंगे तो हमारा फ़ोन फास्ट चलने लग जाएगा, वो हैंग नहीं होगा। तो सबसे पहले कैशे मेमोरी का काम क्या होता है? कैशे मेमोरी का काम होता है कि जैसे कि कोई भी आपने एप्लीकेशन को ओपन करा, उसमें जितना भी डाटा है वो सारा लोड हो जाएगा, और जब आप उस एप्लीकेशन को दोबारा ऑन करोगे तो जितना भी डाटा है वो दोबारा से लोड नहीं हुआ क्योंकि वो पहले से ही कैशे मेमोरी में सेव हो चुका है। अगर हम कैशे मेमोरी को क्लियर कर देते हैं तो जितना भी डाटा है एप्लीकेशन में वो दोबारा से डाउनलोड होगा, जिससे कि हमारे जो प्रोसेसर है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, और इससे आपका प्रोसेसर ख़राब भी हो सकता है और बैटरी कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कभी भी कैशे मेमोरी को क्लियर नहीं करना चाहिए। तो पांचवा ऑप्शन है रूटिंग। अगर आपको फ़ोन का रूटिंग की जानकारी है तभी हमें फ़ोन को रूट करना चाहिए, वरना अगर आपको रूटिंग की जानकारी नहीं है तो फ़ोन को रूट ना करें। अगर आपको पता है कि रूटिंग से क्या होता है, हम रूटिंग से कौन सा काम करते हैं, अगर रूटिंग की आपको सारी वर्किंग पता है तभी फ़ोन को रूट करें, वरना फ़ोन को कभी भी रूट ना करें। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे हम अपने फ़ोन की लाइफ और फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है उन दोनों को इनक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।